आज हम और आप कथा के पंचम सत्र में बैठे हुए हैं और आज हम सभी मिलकर के भगवान राम माँ जानकी के दिव्य भव्य विवाह उत्सव का आनंद लिया जाएगा। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया, भगवान राम भैया लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में प्रवेश किए। जब जनकपुरी में प्रवेश किए तो जिस भवन में माँ जानकी रहती थी उसी भवन में जनक जी महाराज ने भैया राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी सहित सबको ठहराया है। इधर विश्वामित्र जी फिर से कथा गाना प्रारंभ कर दिए, लक्ष्मण जी राम जी बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी की हार्दिक इच्छा है कि जा करके अगर गुरुदेव आज्ञा देते तो थोड़ा जनकपुरी घूम आते, लेकिन ये बात कहें तो कहें कैसे कि हे गुरुदेव कथा को बंद करिए क्योंकि मुझे घूमने जाना है। राम जी लक्ष्मण जी के मन की सारी बातें जान गए। राम जी ने गुरुदेव से आग्रह किया है कि हे गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लक्ष्मण को जाएं और शीघ्र जनकपुरी घुमा करके वापस लाएं। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी मन ही मन ये सोच रहे हैं, आप कल्पना करिए हम और आप कहीं किसी अनजाने गांव में जाएं या किसी अनजाने स्थान पर जाएं जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है और हम किसी बगल वाले से कहें कि चलो तुमको यहां घुमा करके लाते हैं। अभी यहां जब कथा चल रही है हम यहां पर नए आए हुए हैं और अगर हम आपसे कहते हैं कि चलिए हम आपको घुमा करके लाते हैं तो हम आपको क्या घुमाएंगे? जब हमें कोई जानकारी रहेगी तब तो घुमाएंगे। लेकिन विश्वामित्र जी मन की बात समझ गए, कहे प्रभु मैं जानता हूं आपके मन में ऐसा है कि आप सोच रहे होंगे कि इस राज दरबार में बड़े लोग तो आ सकते हैं लेकिन जो गांव के जो सारे नगरवासी हैं वो राजमहल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इस कारण आप सभी के घर जा करके दर्शन देना चाहते हैं। प्रभु आप धन्य हैं। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, राम जी आप शीघ्र जाइए और लक्ष्मण को घुमा करके वापस लाइए। राम जी जैसे ही महल के बाहर निकले, नगर के जो छोटे छोटे बच्चे थे राम जी के हाथों को पकड़ लेते हैं दोनों तरफ से। सारे बच्चे हाथ पकड़ करके आज राम जी को नगर भ्रमण के लिए ले गए हैं। जब राम जी लक्ष्मण जी जनकपुर की गलियों में निकले हैं, जितने नगरवासी थे सब दौड़ पड़े भगवान को देखने के लिए। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, बड़े ध्यान देने योग्य है, कि धाए धाम काम सब त्यागे। कोई भी व्यक्ति, वो हम हो या आप हो, अगर कहीं भी हमें जाना हो तो पहले हम अपने कार्य को छोड़ेंगे, उसके बाद से फिर घर को छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति हुई कि भगवान राम को देखने के लिए जितने नगरवासी थे सब दौड़ पड़े हैं, घर की जो माताएं बहनें हैं सब बाहर दौड़ रही हैं भगवान को देखने के लिए, जो नई नवेली दुल्हने आई हुई हैं वो भगवान राम को झरोखों से देख रही हैं। कुछ माताएं बहनें कुछ कार्य कर रही थी, अगर कोई माँ बर्तन धुल रही थी तो सबसे पहले हाथ में बर्तन ही लेकर के दौड़ पड़ी और जब आधी दूर गई तो उसने देखा कि मेरे हाथ में बर्तन पड़े हुए हैं, तब जाकर के उसने बर्तन को छोड़ा। कोई कपड़े धुल रही थी तो कपड़े लेकर के ही पहुंच गई, रास्ते में देखा कि मेरे हाथ में कपड़े हैं फिर कपड़े को रखा। अर्थात इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि धाए धाम काम सब त्यागी, अर्थात पहले घर को छोड़ा धाम को छोड़ा तत्पश्चात काम को छोड़ा। भगवान को देख करके आज सारे नगरवासी प्रफुल्लित हैं, सब प्रसन्न हैं, सब दर्शन कर रहे हैं,
इधर माँ जानकी की अष्ट सखियां थी, छत पर से भगवान राम को देखते हुए जा रही हैं और भगवान बिल्कुल नीचे से चले जा रहे हैं। सखियों ने कहा, एक सखी दूसरी सखी से बात करती है, कहती देखो ये कितने सुंदर हैं, इनके जैसा सुंदर तो आज तक हमने देखा ही नहीं। एक सखी कहती है कि मुझे तो लगता है कि साक्षात ब्रह्मा जी चले आए हैं। एक सखी ने कहा, पागल हो गई हो, अरे ये ब्रह्मा जी कैसे हो सकते हैं, उनके तो चार चार मुख हैं, इनके सिर्फ एक ही मुख है। एक सखी ने कहा कि नहीं नहीं मुझे लगता है ये भगवान शंकर हैं। दूसरी सखी कहती है कि शंकर कैसे हो सकते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी, भगवान शिव के तो विकराल वेश हैं, विकराल वेश धारण करते हैं, ये कितने सुंदर हैं, कितने सुकोमल हैं, उनके तो तीन तीन नेत्र हैं, इनके तो सिर्फ दो ही नेत्र हैं। एक ने कहा कि मुझे तो लगता है ये जरूर विष्णु होंगे। एक सखी कहती है विष्णु भी नहीं है, क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु के तो चार चार भुजाएं हैं और इनकी मात्र दो भुजाएं हैं। एक सखी ने कहा कि अब तो मुझे लगता है कि साक्षात कामदेव ही धरती पर चले आए हैं। सखियां आपस में बात कर रही हैं। एक सखी कहती है अगर ये मेरी तरफ एक बार देख लेते तो आज हम धन्य हो जाते। इधर राम जी लक्ष्मण जी नीचे से चले जा रहे हैं। एक सखी ने कहा कि एक बार आप हमारी तरफ नजर डालिए, एक बार हमें देख लीजिए आप। लक्ष्मण जी ने राम जी से निवेदन किया, कहा भैया ऊपर कुछ सुनाई दिया आपको, ये सब क्या बात कर रही हैं, कहिए तो एक बार देख लिया जाए। राम जी ने कहा देखो दूसरे के नगर में आए हैं, हमें देखना नहीं है। और देखिए राम जी की ये आदत थी, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, भगवान राम चलते थे तो बिल्कुल सीधे चलते थे, लेकिन कुछ लोग की आदत होती है कि चलते सीधे और देखते टेढ़ा है, इसलिए आगे जाके भिड़ जाते। भगवान राम बिल्कुल सम्मुख सीधे देखे चले जा रहे हैं। सखियों ने निवेदन किया अरे एक बार तो देख लो। लक्ष्मण जी ने फिर निवेदन किया, कहा प्रभु एक बार देख लिया जाए। राम जी ने कहा चाहे कुछ हो जाए देखना नहीं है। अब सखियां कहती है मुझे तो लगता है ये गूंगे हैं। भगवान राम से लक्ष्मण जी ने कहा भैया देख रहे हैं आपको और हमको गूंगा बना रही हैं। भगवान राम ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए देखना नहीं है, वो सब देखने के उपाय हैं। अब एक सखी कहती कि मुझे तो लगता है, मैंने सुना है कि जो गूंगा होता है वो साथ में बहरा भी होता है, ये गूंगे बहरे दोनों हैं, ना इन्हें सुनाई देता है ना ये बोल पाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भाई अब तो हद हो गई, अब तो देखना पड़ेगा। लेकिन भगवान राम नहीं देखे। एक सखी ने कहा देखो मेरे पास एक उपाय है, एक काम करते हैं इनको मारते हैं। एक सखी ने कहा इतने कोमल हैं, इतना कोमल शरीर है, कैसे मारोगे। एक सखी कहती इन्हें कंकड़ से नहीं मारना है, इन्हें पुष्पों से मारना है, तब ये जरूर देखेंगे हमारी तरफ। सखियां निवेदन करती हैं प्रभु से, कितने फेरे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, एक बार फेरी रघुनाथ जी। भगवान से निवेदन करती है लेकिन भगवान नहीं देखे। लेकिन वही सखियों ने जब पुष्प की वृष्टि कर दी, पुष्प की बरसात कर दी, भगवान ने एक बार उन सखियों को देखा। सारी सखियां धन्य हो गई कि हिया हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन बृंद जाहि जहां जह बंधु दो तहां तहां परमानंद। सखियों ने भगवान के ऊपर पुष्प की वृष्टि कर दी, फूल की बरसात कर दी। भगवान ने एक बार देखा उन सखियों को, सारी सखियां प्रसन्न हो गई। भगवान पूरी जनकपुरी का दर्शन करके फिर से आ गए हैं महल में। संध्या हुई, आरती हुआ, भोजन प्रसाद हुआ।
रात्रि के समय सोते समय विश्वामित्र जी शयन कर रहे हैं, इधर भैया राम भैया लक्ष्मण उनके चरणों को दबाते हैं। जब विश्वामित्र जी सो गए तत्पश्चात भैया राम सोए हैं, भगवान राम के चरण भैया लक्ष्मण दबाना प्रारंभ किए और सबसे अंत में भैया लक्ष्मण सोए और सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए। प्रातः काल हुआ, विश्वामित्र जी उठे हैं, उनके पहले राम जी लक्ष्मण जी उठ करके ये मन में विचार करते हैं कि अभी गुरुदेव भगवान को पूजा के लिए पुष्प चाहिए, उनके पूजा करने से पहले हमें पुष्प लाना होगा। और भगवान राम भैया लक्ष्मण गुरुदेव से आज्ञा लेकर के पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। कि समय जानी गुर आया सुपाई, वाटिका में प्रवेश किए। ये पुष्प वाटिका कैसी? महाराज जनक की ये योग वाटिका है। वो स्वामी जी कहते हैं इस योग वाटिका में मानो ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत ऋतु आई तो गई ही नहीं। जितने पुष्प हैं, जितने पेड़ हैं, जितने पौधे हैं, सब नव पल्लवित हैं, सब नवीन हैं, कोई मुरझाया हुआ नहीं है। उस दिव्य पुष्प वाटिका के मध्य में एक मान सरोवर है जिसके सप्त सोपान कहें तो सात सीढ़ियां मणियों से जड़ित हैं। अद्भुत ये महाराज जनक की योग वाटिका है। इस योग वाटिका में भगवान राम प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया, चारों तरफ दृष्टि डाली जब कोई दिखाई नहीं पड़ा तो अंत में वहां पर दो माली खड़े हुए थे उस योग वाटिका में। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि ये राम कथा ऐसी है कि जीवन जीने का ढंग बताती है, हमें अपने जीवन में किस प्रकार से किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हर पग पग पर आपको जीवन जीने का तरीका बताती है किस प्रकार से मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम जो कुछ भी किए हमको और आपको सीख देने के लिए उन्होंने किया। यहाँ भी दर्शन करिए,
जब भगवान राम पहुंचे हैं पुष्पवाटिका में, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि चहुदेश चितई पूछी मालीगन और लगे लेन दल फूल मुदित माना। सबसे पहले चारों तरफ दृष्टि डाली, जब कोई नहीं दिखा उन मालियों पर दृष्टि गई और उन मालियों से पूछते कहते भैया अगर आपका आदेश हो तो हम अपने गुरुदेव के लिए पुष्प लेना चाहते हैं पूजन के लिए, अगर आपकी आज्ञा हो आपका आदेश हो तो हम पुष्प ले लें। भगवान राम चाहते तो ऐसे भी पुष्प ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमको और आपको ये सीख देने के लिए हम आप क्या करते हैं, अगर बगल में कोई पुष्प लगाया हुआ है कोई पौधा लगाया हुआ है तो सबसे पहले जा करके हम 4 बजे भोर में उठ करके ही सारे पुष्प तोड़ करके लाके खुद पूजा कर लेते हैं, और जिसने उस पौधे को लगाया उसके लिए एक भी पुष्प छोड़ते नहीं हैं। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे की कोई भी सामग्री हो कोई भी वस्तु हो हमें अवश्य पूछना चाहिए। भगवान राम ने भी पूछा कि अगर आप सबका आदेश हो तो हम दोनों भाई पुष्प लेना चाहते हैं, कहिए तो ले ले। अब मालियों का देखिए, मालियों ने भगवान से कहा, कहा प्रभु आपको अंदर तो प्रवेश करने देंगे लेकिन बड़ी समस्याएं हैं आपके साथ। कहा क्या, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेश्वर आनंद जी महाराज का बड़ा प्यारा पद है, आइए मिलके गाते हैं। माली सब भगवान से कहते हैं कि बगियन बिच जान ना दई हो राम जी बिनती सुनो, बगियन बिच जान ना दई हो राम जी बिनती सुनो, बगियन बिच जान ना दई हो राम जी बिनती सुनो, बगियन प्रभु आपको अंदर तो प्रवेश करने देंगे लेकिन बड़ी समस्याएं हैं, आपको नहीं जाने दे सकते, अगर आप कहिए तो हम पुष्प तोड़ करके लाके दे देते हैं। भगवान राम ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गुरुदेव की सेवा है, हमारे गुरुदेव हैं और उनके पूजन के लिए पुष्प तो हम ही लेकर के जाएंगे, लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है जरा उससे तो अवगत कराओ। मालियों ने भगवान से कहा कि कोमल चरना कमल बिनु पनाही, कि कोमल चरना कमल बिनु पनाही, कोमल चरना कमल बिनु पनाही। प्रभु आपके पांव बिल्कुल कोमल के समान है और उसमें पंखुड़ियां गड़ जाएंगी, पखुड़ी पायन गड़ी जई है राम जी बिनती सुनो, पखुड़ी पायन गड़ी जई है राम जी बिनती सुनो, बगियन बिच जान ना दई हो राम जी बिनती सुनो, बगियन प्रवेश करेंगे आपके पांव में पंखुड़ियां गड़ जाएंगी, पंखुड़ी बिल्कुल बिछी हुई है रास्ते में। भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, यहां तो पुष्प आच्छादित हैं,
मैं चला जाऊंगा, अगर कांटे की भी राह हो, अगर कांटे भी बिछे हो, तो गुरुदेव की सेवा के लिए मैं वो भी नहीं देखूंगा, अवश्य जाऊंगा। यहाँ तो पंखुड़ियां हैं, फिर भी अगर पंखुड़ी गड़ भी गई तो मैं निकाल लूंगा, कोई बात नहीं। अब मालियों ने कहा, एक समस्या हो तब तो बताएं, आपको कोई जाने देगा भीतर तब तो जाएंगे। कहा कौन रोकेगा, कहा अंदर रोकने वाले बहुत सारे पड़े हुए हैं। कहते हैं, तजी तजी सुमना मधुप मतवारे, तजी तजी सुमना मधुप मतवारे, तजी तजी सुमना मधुप मतवारे, प्रभु इस बागीचे में इस पुष्प वाटिका में बहुत सारे भौरे पड़े हुए हैं, जैसे ही आप जाएंगे सब आपके मुख कमल पर घेर लेंगे। मुख पंकज पे मड़ रही है राम जी, अगर अंदर प्रवेश किए तो आपको रोकने वाले भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। कहा मुझे कौन रोकेगा, मालियों ने कहा, नाथ अंदर बहुत सारे भौरे हैं और आपका चेहरा मुख कमल जैसा, आपके नयन कमल जैसे, आपके पांव कमल जैसे, आपके हाथ कमल जैसे, पूरा का पूरा शरीर ही कमल जैसा। प्रभु इन भौरों ने सुना होगा या फिर देखा भी होगा, जल में एक कमल खिलता है, लेकिन यहाँ आपका चेहरा कमल जैसा, आपका चेहरा कमल जैसा, और उस चेहरे में दो कमल खिले हुए हैं। कौन कौन? नयन कमल, आपके नेत्र कमल जैसे। तो आप बताइए सरकार, कहीं जल में एक कमल खिलता है और यहाँ तो कमल में दो कमल खिले हुए हैं। भौरों ने ऐसा कमल खिलता हुआ नहीं देखा होगा। और आपको बताऊं, सबसे कोमल कमल, कमल से भी कोमल कमला अर्थात लक्ष्मी जी, कमला से भी कोमल कमला के कर कमल, कर कमल से भी कोमल भगवान के पद कमल। माँ लक्ष्मी जब अपने हाथों से भगवान राम के चरणों को दबाती हैं तो भगवान के चरण कमल लाल पड़ जाते हैं, इतने कमल। कहा प्रभु इतनी कोमल हैं आपके पांव, इतने सारे कमल, आपका शरीर ही कमल जैसा है, और इतने सारे कमल को खिलता हुआ जब एक साथ ये भौरे देखेंगे तो आपके मुखमंडल पर घेर लेंगे। कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, अर्थात नयन कमल जैसे, मुख कमल जैसे, हाथ कमल जैसे, पांव कमल जैसे, सब कमल के समान है। प्रभु आपसे निवेदन है, अंदर ना प्रवेश करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं उन भौरों को भी हटा दूंगा, अब बताओ क्या समस्या है। अब मालियों ने कहा, प्रभु एक और समस्या आ गई। अब कौन सी समस्या आई? कहा प्रभु हम लोगों ने ऐसा सुना है कि आपके पांव में कोई बूटी लगी हुई है और उसके स्पर्श मात्र से ही पत्थर की शिला नारी बन जाती है। प्रभु हमारे बाग में तो कोमल कोमल पौधे लगे हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, वो तो बूटी पांव में लगी हुई है, उनका हाथों से क्या करना। मालियों ने कहा, क्या पता क्या ठिकाना, जो बूटी पांव में है वो हाथ में नहीं हो सकती क्या? वो हाथ में भी तो हो सकती है, वो भी काम कर गई, फिर हमारा क्या होगा। कहते हैं कि चरण छुवत उड़ गई सिला प्रभु, चरण छुवत उड़ गई
जैसे ही कहा, प्रभु अगर आपके हाथ के स्पर्श से जितने पौधे हैं, जितने वृक्ष लगे हुए हैं, अगर वो बूटी काम कर गई और सब नारी बन गई, तो फिर हम महाराज जनों को क्या उत्तर देंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, उसका भी उपाय है हमारे पास। क्या उपाय है? लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, एक पुष्प भगवान उतारेंगे, और अगर वो बूटी काम कर गई और अगर वो पौधा नारी बन गया, तो दूसरा पुष्प या पौधा वृक्ष कोई भगवान राम स्पर्श तक नहीं करेंगे। चलो अब बताओ। मालियों ने कहा, सरकार एक समस्या और आ गई, जब पुष्प भगवान लेने जाएंगे तो कर प्रक्षालन तो निश्चित रूप से करेंगे, हाथ को धुलने जरूर जाएंगे, और हाथ कहाँ धुलेंगे? इसी मानसरोवर में। और ये मानसरोवर सप्त सोपान जो हैं, सात सीढ़ियां हैं, वो मड़ियों से जड़ित हैं, और उन मड़ियों से जड़ी सीढ़ियों पर जब आप जाएंगे तो सातों की सातों सीढ़ियां नारी बन जाएंगी। कहा, प्रभु सरसों पान सिला पद पर सत, प्रभु अगर वो सातों की सातों सीढ़ियां नारी बन गई, फिर क्या हम उत्तर देंगे महाराज को? कहा, फिर क्या करें? अब आप ही बता दो। माली ने कहा, सरकार एक उपाय है हमारे पास। क्या उपाय है? कि जब बोला होंगे सियजू की जय, से कहा, देखो आपके पास मात्र एक ही उपाय है, अगर आप दोनों भाई मिलकर के हमारी किशोरी मैया का जयकारा लगाएंगे, तब जाकर के हम आपको अंदर प्रवेश देंगे। भगवान राम लक्ष्मण जी से देख करके मुस्कुराने लगे। कहते, लक्ष्मण अब ये कैसे संभव है हम दोनों मिलकर के किशोरी जी का जयकारा लगाएं? लक्ष्मण जी भी मुस्कुराने लगे। कहे, भैया आप अनजाने थोड़ी हैं, अरे रोज तो अंदर ही जयकारा लगाते हैं, आज बाहर से लगा दो। सभी मिलकर के किशोरी मैया का जयकारा लगाए। आइए हम सभी मिलकर के भी किशोरी मैया का जयकारा लगाते हैं। बोलिए किशोरी मैया की। किशोरी मैया का जयकारा जो ही लगाया, अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही भगवान राम पुष्प लेना प्रारंभ किए। गोस्वामी जी ने एक अद्भुत चौपाई लिखी। क्या लिखा? कि लगे लेना दल फूल मुदित मन, लगे लेन। इस पुष्प वाटिका में कोई दूसरा नहीं है दो मालियों के अलावा, फिर इस वाटिका में दे कौन रहा है कि भगवान लेने लगे? किसी भी पौधे पर से जब आप पुष्प लेने जाएंगे तो उसे उतारना कहेंगे,
अगर पुष्प भूमि पर गिरा हुआ है तो उसे उठाना कहेंगे, लेकिन लिया तब जाता है जब कोई दूसरा दे रहा हो। फिर इस वाटिका में भगवान को कौन देने लगा? संत महात्माओं का ऐसा चिंतन है कि धरती मैया की पुत्री माँ जानकी है, और अगर माँ जानकी धरती मैया की पुत्री हैं तो ये जितने पेड़ पौधे हैं ये सब कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? धरती में से। तो जानकी मैया के सभी क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? भाई, भाई लगेंगे। तो जब जानकी मैया के ये सारे पेड़ पौधे भाई हुए तो राम जी क्या लगेंगे? जीजा जी लगेंगे। जीजा जी। तो जीजा जी जब लगेंगे तो अब बताइए कौन ससाला चाहेगा कि जीजा जी ससुराल में आकर के काम करें। जितने सारे पेड़ पौधे थे, जैसे ही भगवान राम ने दोनों को आगे बढ़ाया, सारे पुष्प सारे पेड़ पौधे अपने आप स्वयं ही पुष्प गिराने लगे और भगवान राम लेना प्रारंभ कर दिए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि लगे लेन दल, लेने लगे। भगवान पुष्प इधर ले रहे हैं, उसी समय माँ जानकी अपनी अष्ट सखियों के साथ उसी पुष्प वाटिका में प्रवेश की हैं, उसी मानसरोवर में जाकर के माँ ने स्नान किया है और गौरी मैया के पूजन के लिए गई मंदिर में। माँ गौरी के पूजन के लिए जाती हैं और माँ से मांगती हैं, अरे सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को मैया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को मैया मांग रही अवध को राज, सरजू
सभी पूरे पूरे हाथ खड़े करके मेरे साथ गाएंगे। अरे सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को, मैया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को, मैया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को, मैया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। माने माँ गौरी से वरदान मांगा, कहा हे माँ अगर आप हमसे प्रसन्न हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा। बड़े अनुराग के साथ माँ ने गौरी का पूजन किया और क्या मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। माँ ने बड़े अनुराग के साथ माँ की भक्ति की पूजन किया और माँ से क्या मांगा, कहा हे माँ आप एक बार मुझे सर से पांव तक देख लो, मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही वर चाहिए, ना मुझसे बढ़िया चाहिए और ना मुझसे खराब चाहिए, मैं बिल्कुल जैसे हूँ मुझे ठीक वैसा ही वर चाहिए। और हम आप क्या करते हैं, यहाँ भी शिक्षाप्रद बात है, लड़का भले हाई स्कूल फेल हो लेकिन लड़की बीएससी बीएड पास ही जाएगी और परिणाम ये होता है कि एक साल के बाद डाइवोर्स हो जाता है। जब लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो भाई चलती तो चलेगी, और इसी कारण से आजकल इस समाज में जब ताल में नहीं बैठ पाता है तो ये परिस्थितियाँ सामने आती हैं। इसलिए इस कथा से ये भी शिक्षा प्राप्त करिए कि जिस योग्य वर हो उस वर आपकी दुल्हन भी होने चाहिए, जिस जैसी लड़की हो वैसा लड़का भी होना चाहिए। जानकी मैया ने माँ से वरदान पा करके अभी माँ का पूजन ही कर रही थी, उसी अष्ट सखी में से एक चतुर सखी थी, पूजा पाठ छोड़ करके चली गई बाग घूमने, बाग घूमने चली गई, पूजा पाठ मन नहीं लगा। और बाग जैसे ही घूमने गई वहाँ पर देखा भगवान राम दो नाले करके पुष्प लिए जा रहे हैं। जैसे ही भगवान राम को देखा प्रसन्न हो गई, प्रसन्नता के मारे आँखों से अश्रु निकलने लगे। अरे ये तो वही है जो कल हमारे नगर में आए हुए थे, जिन्हें देखने के लिए हम इतनी विनती कर रहे थे, आज हमारे इस पुष्प वाटिका में चले आए। मन ही मन विचार करती चल के जानकी को ये सूचना देती हूँ, दौड़ी भागी वहां से आई और माँ जानकी से कहा, जानकी पूजा पाठ बंद करो बाद में होता रहेगा, मैं एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ तुम्हें। सारी सखियों को लेकर के अपने पास आती है और उन सखियों से कहती कि मैंने आज कुछ ऐसा देखा है कि मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं पा रही हूं। सखियों ने पूछा ऐसा क्या देख लिया है तुमने, माँ जानकी कहती है कि अरे दौरा लयावे लुहा साथ, आहस रोक लेना रोकात बार, कहुरे सहेलिया आजू नाया कौन बात बार। कहा क्या बात है, क्यों इतना मुस्कुराए जा रही हो, क्या तुम्हें हो गया, तुमने ऐसा क्या देख लिया है। उस सखी ने उत्तर दिया, कहा क्या बताऊं कि नजरी से दिखले बानी कैसे हम बताएं, अचलू रे सहेलिया तोहके अखिये से देखाई, आई सन छेल छबीला देख गुलाबो मन लजात बा, कहुरे सहेलिया आजो नाया कौन बात बा। सखियों सखियों से बताती है, कहा मैं कैसे बताऊं, मैंने आज बगीचे में क्या देखा है। अरे वही राजकुमार जो अपने नगर में आए हुए थे
बड़े ही कम उम्र के हैं, बड़े सुंदर हैं, एक गोरा है, एक सांवला सा है, लेकिन मैं बताऊं तो बताऊं कैसे। गिरा अनयन नयन बिन बानी, जिस नेत्रों ने उन्हें देखा है उसकी जुबान नहीं कि वो बता सके, और जिसकी जुबान है उसने देखा नहीं। अब ये बताओ, देखे कोई और बताए कोई और, क्या ये संभव है? मैं क्या बताऊं। अरे मुंह पर चलाई गयो टोना, जैसे ही मैंने उन्हें देखा उन्होंने मुझे देखा, मुझ पर तो टोना हो गया। कहती है, अरे मुंह पर चलाई गयो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। वाटिका में तुम क्या करने गई थी? कहती है, वाटिका में, अरे मैंने सोचा जानकी पूजन कर रही है तो पुष्प लेकर के चली आऊं। कहती है, फूलवा चुनन फूल बगिया में गई ली, फूलवा चुनन फूल बगिया में गई ली, फूलवा चुनन फूल बगिया करके क्या देखा मैंने? हथवा में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हथवा में लिए रहे दोना, किशोर उन्होंने भी अपनी तिरछी नजरों से मुझे देखा। तन के भर ऐसे चिते रघुनंदन, तन के भर ऐसे रघुनंदन, तन के भर ऐसे चिते रघुनंदन, तन के भर ऐसे चिते रघुनंदन। और हो ही गवा, हो ही गा, अरे हो ही गवा जौन रहा हो ना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हो ही गवा जौन रहा हो ना, किशोर गोर सांवरे बताओ, अगर वो तुम्हें देख रहे थे तो तुम्हें घूंघट कर लेना चाहिए था। हाँ, घूंघट वो भी किया था। सखी कहती है, राम जी को देख के घूंघट पट की ना, राम जी को देख के घूंघट पट की ना, राम जी को देख के घूंघट पट की ना, राम जी को देख के घूंघट पट की ना। सखियों ने कहा कि घूंघट किया तो फिर उन्होंने देखा कैसे? तो वो सखी कहती, घूंघट तो किया था लेकिन खुला रहा, अरे खुला रहा गया एक कोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। खुला रहा गया एक कोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। मुँह पर चलाय गयो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। मुँह पर चलाय गयो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना।
जानकी मैया बातचीत करती हैं आपस में। वो सखी माँ जानकी को लेकर के पहुंची है जहाँ भगवान राम थे। माँ जानकी एक चतुर सखी को अग्र करके आगे करके अपने पीछे पीछे चल रही हैं। इसका अर्थ जीवन में हमारे और आपके ऐसा कोई मिल जाए जो आपको लेकर के भगवान के चरणों तक पहुंचा दे, नियम है उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चला जाए। वो चतुर सखी भी माँ जानकी को लेकर के भगवान राम के पास पहुंची। जब माँ जानकी चली है वहां से, माँ के पांव की पैजनी बज गई, माँ के हाथ के बाजूबंद जो थे वो बज गए। इधर भगवान राम लक्ष्मण जी से बात करते हैं, कहते हैं लक्ष्मण मानो आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव दुंदुभी बजा करके इस पुष्प वाटिका में आ गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु कामदेव आपको ऐसा प्रतीत होता है? भगवान राम ने कहा हाँ लक्ष्मण, ये कानों में कैसी आवाज आ रही है, किस चीज की आवाज है? तब तक माँ जानकी अपने अष्ट सखियों के साथ पहुंच गई। भगवान राम ने भैया लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण वो देखो कि ताता जना कतना या हसोई, ताता जना कतना प्रभु यहाँ क्या करने आई है? भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई। करता प्रकाश दिखाया, कहा लक्ष्मण यही जानकी है महाराज जनक की सुपुत्री और इन्हीं के कारण धनुष रखा गया है। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु यहाँ क्या करने आई हैं? भगवान राम ने कहा माँ गौरी के पूजन हेतु आई हैं। जो चतुर सखी थी माँ जानकी को एक लता की ओट से भगवान राम को दिखाया है। माँ जानकी भगवान राम को देखना प्रारंभ की। गोस्वामी जी कहते हैं कि माँ के पलक गिरते ही नहीं है भगवान को देखते देखते, एक टक भगवान को निहारे जा रही हैं। हमारे पलकों पर निवास होता है निमि जी महाराज का, जो कि महाराज जनक के पूर्वज हैं। निमि जी महाराज का निवास हमारे पलकों पर होता है, लेकिन जब जानकी मैया भगवान राम को देखने लगी, महाराज निमि ने सोचा आज हमारे बिटिया और दामाद एक दूसरे को देख रहे हैं। महाराज निमि पलक को छोड़ करके भाग गए। जानकी मैया ने भगवान राम को देखना प्रारंभ किया, भगवान राम ने माँ जानकी को देखा है, एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखी रूप लो चनलाल चाने, देख रूप लोचन ललचाने, ये नेत्र जो है किशोरी मैया के ललचने लगे भगवान को देखते देखते। ललचने का अर्थ जानते क्या होता है? एक व्यवहारिक उदाहरण दूं आपको। मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, भगवान ना करे कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, लेकिन अगर कोई हो उसके सामने गरम गरम जलेबी रख दिया जाए या राजभोग रख दिया जाए,
उसके मन में होगा कितना बढ़िया गरम गरम बनाया, थोड़ा खा लिया जाता, लेकिन फिर मन में होता है कि नहीं डॉक्टर ने मना कर रखा है, अभी अगर खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। फिर सोचता अगर खा नहीं सकता तो एक बार देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देख ही लेते हैं। एक बार खाने की सोचे, एक बार देख रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रकार से जानकी मैया एक बार भगवान राम को देखती हैं और एक बार फिर पलकों को अपने नीचे कर लेती हैं। बार बार यही प्रक्रिया चल रही है। अंत में जानकी मैया ने सोचा, मैं क्या करूं? माँ जानकी के जो नेत्र थे वो आपस में झगड़ा करने लगे। नेत्र कहते हैं इन्हें आंखों में ही रहने दो, हृदय कहते हैं इन्हें हृदय में बसा लो। कि नैनो मेरा आंखों तो ही मोरा तर से है, और ही अरा मेरा खो तो हाँ, ही अरा मेरा खो तो नयन बर से हो कवन बेधि से। कि तुहरा खो मैं सजनवा कवन बेधि से हो कवन बेधि से। सब आपस में झगड़ा करने लगते हैं। नैन कहते हैं ने नेत्रों में ही रहने दो, हृदय कहते हैं हृदय में ला करके बंद करो। माँ ने एक रास्ता निकाला, गोस्वामी जी लिखते हैं कि लोचन मगरा मही उर आनी और दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन मग, मग का अर्थ होता है रास्ता, लोचन का अर्थ होता है नेत्र। अर्थात माँ ने नेत्रों के रास्ते भगवान राम को अपने हृदय में पधराया है। और गोस्वामी जी ने सयानी क्यों लिखा किशोरी मैया को? इसलिए लिखा कि माँ ने अपने भगवान को हृदय में पधरा करके और ये नेत्र रूपी जो कपाट थे, जो दरवाजे थे, उसको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या पता कि हृदय में आए हैं और मैंने बसाया, कहीं ये भग न जाए। इसलिए माँ जानकी ने अपने नेत्र रूपी कपाट को बंद कर लिया, भगवान को अपने हृदय में पधराया। उधर भगवान राम ने माँ जानकी को अपने हृदय में पधराया। माँ जानकी को ऐसा प्रतीत हुआ कि बहुत विलंब हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। माँ जानकी अपने अष्ट सखियों के साथ वाटिका से निकल पड़ी। इधर भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ में निकल पड़े, लेकिन जाते जाते उसी चतुर सखी ने जाते जाते बोल पड़ी, कहती है कि पुनिया उब बिरिया काली। जाते जाते भगवान को सुना पड़ी कि हम सभी सखियां इसी समय कल फिर आएंगी, हे राम जी, हे लक्ष्मण जी, आप दोनों भी समय से पहुंच जाइएगा। राम जी लक्ष्मण जी उधर गए गुरुदेव के पास, इधर माँ जानकी अपने अष्ट सखियों के साथ फिर से माँ गौरी पूजन के लिए आई हैं। कहें तो पूजा अधूरी रह गई थी, या फिर दूसरा कारण कि माँ जानकी ने जो गौरी मैया से वरदान मांगा था, आज माँ जानकी को वो प्राप्त हो गया है। जानकी मैया माँ गौरी के पास गई और जा करके फिर से माँ का पूजन करने लगी। कहती है माँ कि मोर मनोरथ जानहुनी के। माँ आप मेरे मन की व्यथा को, मेरे मन में क्या है आप अच्छे से जानती हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा और आपका भी यही कार्य होना चाहिए, जब भी हम भगवान के मंदिर में जाएं, जब हम भगवान के सम्मुख जाएं, तो भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस भगवान ने हमें बनाया है, हमें इस संसार में भेजा है, वो भगवान सब जानते हैं हमें कब क्या चाहिए, हमें कब किस चीज़ की आवश्यकता है। और जब वो देंगे तो बिल्कुल हमारी भलाई के लिए देंगे, वो जो कुछ भी करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे। और हम तो कहते हैं
कि भगवान से इन सांसारिक वस्तुओं को छोड़ करके क्यों न भगवान को ही मांग लिया जाए। कि राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का ठिकाना मिलेगा। अगर राम को ही मांग लिया जाए तो सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। साधक कहता है कि हमारे पास सिर्फ भगवान ने दो हाथ दिए हैं, लेकिन जो देने वाला है उसके पास तो लाखों हजारों हाथ हैं। जब वो देगा तो आप अपने पास रख नहीं पाएंगे, उसे समेट नहीं पाएंगे। इसलिए जब भगवान के पास जाइए तो इस सांसारिक चीज़ों को छोड़ करके भगवान को ही मांग लीजिए। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक राजा थे और राजा ने अपने महल में ये घोषणा करवा दी कि आज हमारे इस महल में जितने नगरवासी हैं सब आए और जिसको जो चाहिए वो सब ले जाए। जितने नगरवासी थे सब दौड़ पड़े, कोई हीरे लेता है, कोई चांदी, कोई सोना, जिसे जो इच्छा थी सबने भरपूर लिया। लेकिन एक छोटी सी बच्ची थी, उसने कुछ नहीं लिया और वो जा करके महाराज राजा के पास जा करके खड़ी हो गई। कहा, रे तुमने कुछ नहीं लिया? उस लड़की ने राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी बात समझी नहीं। कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप ही चाहिए। अर्थात जब राजा मिल जाएंगे तो राजा की सारी संपत्ति भी तो उसकी ही हुई। इसलिए भगवान को मांग लिया जाए, इन सांसारिक चीजों को क्या मांगना। अगर भगवान मिल जाएंगी तो सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। गौरी मैया का पूजन करते समय माँ जानकी कहती, माँ आप मेरे मन के व्यथा को अच्छे तरीके से जानती हैं, भली बात ही जानती हैं, आपसे क्या मांगना है, मैं आपसे क्या मांगू। माँ किशोरी का इतना अनुराग, इतना प्रेम भाव देख करके माँ प्रसन्न हो गई। और क्या हुआ, जो वरमाला किशोरी मैया ने माँ गौरी को पहनाई थी कि बिना या प्रेम बस भई भवानी, परिणाम खसी माल मो रति मुस्कानी। जब गौरी मैया प्रसन्न हो गई तो जो वरमाला माँ किशोरी ने गौरी मैया को पहना रखा था वो वरमाला माँ किशोरी की गोद में गिर पड़ी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किशोरी मैया को वरमाला गौरी मैया ने गले में नहीं पहनाया। इसका भी एक कारण है और वो कारण ये है कि जब गौरी मैया पूर्व जन्म में माँ सती का रूप धारण की थी, माँ सती के वेश में थी, तो उस समय भगवान शिव की पत्नी थी और माँ गौरी के भी स्वरूप में भगवान भोलेनाथ की पत्नी है। तो पूर्व जन्म में माँ सती ने जानकी का स्वरूप बनाया था, किशोरी मैया का स्वरूप बनाया था और गई थी भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। और परिणाम ये हुआ कि माँ सती को अपने देह का त्याग करना पड़ा। माँ गौरी मन ही मन विचार करती हैं कि अगर इनके गले में मैं वरमाला पहना दूंगी तो इनके हृदय में भगवान राम का निवास है, अर्थात इन दोनों को वरमाला पड़ जाएगी, इसलिए गले में न पहना करके गोद में वरमाला गिरा दिया माने। माँ प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया। क्या कहा कि मनुजा हीरा चेउ मिलही सो बरु सहज सुंदर सावरो।
गौरी मैया को माँ गौरी ने वरदान दिया, क्या कहा कि जानकी, मनुजाहि राचेउ मिलहि सोबरु। आपके मन में जो बसा हुआ है वही आपको मिलेगा। लेकिन पुष्प वाटिका में दो दो राजकुमार थे, लेकिन दोनों में से कौन मिलेगा? सहज सुंदर सांवरो, जो सहज है, जो सरल है, सांवला है, वही आपको मिलेगा। करुणा निधान सुजान शीलो स्नेह जानत रावरो। और यहीं पर महागौरी ने किशोरी मैया को एक और नाम दिया, करुणा निधान। इसी नाम से किशोरी मैया भगवान राम को पुकारती थी। कहा, किशोरी हे जानकी, आपके मन की सारी बातें वो जानते हैं और मैं उन्हें एक नाम और देती हूँ, करुणा निधान। तभी से हम सभी उन्हें करुणा निधान के नाम से भी जानते हैं। माँ गौरी से आशीर्वाद प्राप्त करके किशोरी मैया आई हैं राजमहल में। उधर भगवान राम गुरुदेव के पास पहुँचे हैं और जाकर के गुरुदेव से कहते हैं, प्रभु, हमारे रघुकुल की ये परंपरा है, हमारे रघुकुल की ये रीति है कि हम स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री का दर्शन नहीं करते, लेकिन न जाने क्यों आज किशोरी को देख करके मेरा मन उनके प्रति बहुत आकर्षित हो रहा है। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, कहते हैं, प्रभु, आपको सब पता है कि किशोरी जी कौन है और आपका मन उनके प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है। आशीष दिया, आशीर्वाद दिया भगवान राम को। इधर जानकी मैया अपने सखियों के साथ महल में आई हुई हैं। संध्या हुई, आरती हुआ, सबने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि के समय फिर वही कार्य, भगवान राम भैया लक्ष्मण मिल करके विश्वामित्र जी के चरणों को दबाने लगे। गुरुदेव की सेवा हम सबको करनी चाहिए, लेकिन देखिए, गुरुदेव की सेवा ऐसी भी ना की जाए देखा देखी कभी कोई कार्य ना करिएगा। अच्छे कार्य हो तब तो करिएगा, लेकिन बुरे कार्य को कभी ना करिएगा। एक ऐसे ही व्यक्ति थे, उनके गुरुदेव भगवान उनके घर पे आ गए। गर्मी का दिन था, घनघोर गर्मी पड़ रही थी। गुरुदेव भगवान आए हैं, चरण धुले, चरणामृत का पान किए हैं। रात्रि के समय उन्हें ले जाकर के स्नान कराया, चार पांच बाल्टी पानी से। गुरुदेव जब स्नान कर लिए तो चेले ने कहा, गुरुदेव, काम करते हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, आइए अंदर। और अंदर ला करके रूम में एसी ऑन कर दिया। और जब एसी ऑन कर दिया, कहा, गुरुदेव, बड़ी बढ़िया दही हमारे घर है, ना हो तो दही भी खा लीजिए। गुरुदेव दही भी पा लिए। तत्पश्चात जब सोने का समय आया तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, रात में लाइट कट जाती है, बाहर बहुत बढ़िया हवा चल रही है, मैं तो कहता हूँ चलिए बाहर ही शयन करिए। बाहर लेकर के गया और चारपाई पे सुला दिया गुरुदेव को। प्रातःकाल हुआ, बड़े प्रसन्न मन से गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया उस व्यक्ति को। और जब से गुरुदेव गए तब से वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन बहुत आगे बढ़ने लगा, बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो बगल वाले ने देखा, उसने पूछा, भाई क्या राज है, क्या रहस्य है, अचानक इतनी वृद्धि कैसे हो गई? उस व्यक्ति ने कहा, सब मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है, मैंने ऐसा ऐसा किया, गुरुदेव की बड़ी सेवा की। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि अच्छा, अगर यही उपाय है तो मैं भी अपने गुरुजी को बुलाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। उसके गुरुजी भी आए, लेकिन फर्क ये था कि इनके गुरुजी गर्मी में आए और उनके गुरुजी घनघोर ठंडी में आए। और जब गुरुजी आए तो जिस प्रकार से इन्होंने जो भी कार्य किया था उसने भी सब किया। जैसे गुरुजी आए, कहा, गुरुजी आप बाहर से चल करके आए, चलिए स्नान करा देते हैं। कहा गुरुजी ने, गुरुजी ने कहा, बहुत ठंडी है, अभी स्नान मत कराओ। नहीं नहीं गुरुजी, कराएंगे, सेवा करने दीजिए। अब गुरुजी को लेकर के मशीन पे जो भी होगा, मोटर होगा, पहुंचा।
वो 4-5 बाल्टी से स्नान कराया। गुरु जी लगे कांपने। अब जब कपकपी पकड़ ली, फिर अंदर लेकर के आया, एसी में बिठा दिया। अब गुरु जी ठंड के मारे कांपे जा रहे हैं। अब उसे याद था उसने दही भी खिलाया था। कहा, गुरु जी हमारे घर बड़ी अच्छी दही बनी है, कहीं तो एक कटोरा लाएं। कहे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। कहा, नहीं बिल्कुल सेवा तो करनी है, बड़े भाग्य से आप आए हुए हैं। अब गुरु जी को ला करके दही खिला दिया। गुरु जी और कांपने लगे। कांपते कांपते जब रात्रि हुई तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु जी रात में लाइट कट जाती है, चल के आप ना हो तो बाहर सो लीजिए। और बाहर ले जाके चारपाई बिछा दिया। कहा, नहीं मैं अंदर ठीक हूं, ना ही बाहर आपको सोना है। बाहर ले जाके सुला दिया। अब चारों तरफ मॉर्टिन जो भी था उसकी व्यवस्था सब लगा दिया। हवाएं चल रही हैं। अब गुरु जी कांपने लगे और स्वयं चला गया अंदर शयन करने। और जब प्रातः काल हुआ, गया गुरु जी को प्रणाम करने के लिए, गुरु जी जा चुके थे। तो सेवा ऐसी भी ना की जाए कि देखा देखी किया जाए, कुछ अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। गुरु जी की सेवा भगवान राम भैया लक्ष्मण जी मिलके कर रहे हैं। थोड़ी रात्रि बीत गई, भगवान राम शयन करने गए, लक्ष्मण जी उनके पाँव को दबाते हैं। सबसे अंत में लक्ष्मण जी सोए, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए। प्रातःकाल हुआ, सभी स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के रंगभूमि में विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी के साथ चले आए। उस समय उस रंगभूमि में दूर दूर से, विदेशों से पूरे देश के राजा आए हुए थे, सारे वीर योद्धा आए हुए थे। उसी समय विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम भैया लक्ष्मण जी चल पड़े। महाराज जनक बड़े आदर के साथ भगवान राम भैया लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ सम्मान पूर्वक उन्हें ला रहे हैं सभा के मध्य में। जैसे ही भगवान राम उस सभा के मध्य में आए, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दे। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही भगवान राम उस रंगभूमि में प्रवेश किए, दूर देश के जो भी राजा महाराजा आए हुए थे, कहते हैं जिसकी जैसी भावना रही उसने भगवान को स्वरूप में देखा। जो कपटी राजा थे उन्हें भगवान साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो दुष्ट राक्षस राजा का वेश बना करके उस धनुष यज्ञ में पहुंचे थे उनको भगवान साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो वीर योद्धा थे भगवान उन्हें साक्षात वीर योद्धा के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो संत भगवान थे भगवान उन्हें साक्षात नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो माताएं थी भगवान राम उन्हें अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जिसकी जैसी भावना रही सबने जो अपने अंदर स्वरूप बना रखा था उसको भगवान उसी स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अब इधर
भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आए। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की, महाराज जनक से आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, इतनी सुंदर सजावट की है आपने। जब जनक जी ने प्रशंसा सुना तो महाराज जनक ने उस सभा में जो सबसे बड़ा सिंहासन था, उस सिंहासन पर भगवान राम को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को बिठा दिया। जब आसन दिया उसी समय जानकी मैया हाथों में वरमाला लिए अपने अष्ट सखियों के साथ उस सभा में पहुंच आई। लेकिन माँ आ तो रही है, लेकिन चारों तरफ माँ ने दृष्टि डाली। गोस्वामी जी कहते हैं, किसी या चकित चित राम ही चाहा, सिय चकित चित राम ही चाहा। चारों तरफ दृष्टि डालती है कि भगवान राम कहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जब माँ ने सबकी तरफ दृष्टि डाली तो उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे सब मोह के वशीभूत हो गए। भय मोह बस सब नर नाहा, जितने लोग थे सबके ऊपर माया का असर हो गया, सब मोह के वशीभूत हो गए। लेकिन जो चतुर सखी थी, उस चतुर सखी ने जान लिया कि किशोरी किसको ढूंढ रही है। उस चतुर सखी ने किशोरी को इशारा किया, कहा, किसे ढूंढ रही हो तुम? जिसे ढूंढ रही हो वो नीचे नहीं बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं? उस सखी ने इशारा किया, ऊपर देखो। और जैसे ही किशोरी मैया ने ऊपर देखा, क्या देखा? कि मुनि समीप बैठे दो भाई। जैसे ही ऊपर की ओर दृष्टि डाली, देखा विश्वामित्र जी के साथ में एक तरफ भगवान राम और एक तरफ भैया लक्ष्मण बैठे हुए हैं। मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि लगे ललकी लो जन निधि पाई। मानो उन्हें नेत्रों का खजाना मिल गया हो, भगवान राम को निहार लिया। और माँ ने सोचा, ऐसे देखना मेरा सही नहीं है। तो माँ ने हीरे के कंगन पहने हुए थे, वो कंगन मड़ियों से जड़ित थे। और माँ नीचे बैठ गई और नीचे बैठ करके उन कंगनों में भगवान का दर्शन करने लगी, भगवान को देखने लगी। ये प्रक्रिया चल रही है। उसी समय महाराज जनक ने अपने दूतों से कहा, मेरा जो प्रण है मेरे प्रण को सुनाया जाए। अब इधर दूतों ने महाराज जनक के प्रण को सुनाना प्रारंभ किया। सभा के मध्य में खड़े हो गए। सभा के मध्य में दूतों ने खड़े होकर के कहा, दूर दूर से जो राजा यहां उपस्थित हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है, तो आपके भुजाओं के बल को अपना ग्रास बनाने के लिए शिव जी का पिनाक राहु के समान है। कोई अहंकार नहीं करेगा कि आप इस धनुष को तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस धनुष को तोड़ना सबके बस की बात नहीं है। ध्यान से, कोई अहंकार नहीं करेगा। राज समाज आज जोई तोरा, आज इस समाज में, आज इस सभा में जो महाराज जनक का जो प्रण है, आज इस शिव जी के पिनाक को जो तोड़ देगा, उसी से हमारी किशोरी का विवाह हो जाएगा। अब महाराज जनक का प्रण था कि इस धनुष को जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे किशोरी का विवाह होगा। क्यों? क्योंकि उस धनुष को उठाना, प्रत्यंचा चढ़ाना ही बहुत बड़ी बात थी, तो तोड़ने की बात तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन जब जानकी मैया आई थी और सबने देखा था, सबको माँ ने देखा, तो सब मोह के वशीभूत हो गए। वहाँ दूत भी बैठे हुए थे, वो भी मोह के वशीभूत हो गए। अब बोलना था कि इस धनुष को जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे किशोरी का विवाह होगा। लेकिन दूसरा ही बोल पड़े, कहे, राज समाज आज जोई तोरा, आज इस शिव जी के पिनाक को जो तोड़ देगा, उसी से जानकी का विवाह संपन्न होगा। लेकिन जनक जी ने सुना तो अब पीछे कैसे हटे भाई, जो प्रण हो गया, आदेश दे दिया गया, वो हो गया। अब महाराज जनक अपने स्थान पर बैठ गए, सभी अपने स्थान पर बैठ गए, जितने राजा थे। जैसे ही सबने सुना, राज समाज आज जोई तोरा, आज इस शिव जी के पिनाक को जो तोड़ देगा, उसे किशोरी का विवाह संपन्न होगा। जितने राजा थे,
परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। जितने राजा थे वहां उपस्थित थे, सब अपना जो भी दुपट्टा पटका जो भी लिए थे सब लगे बांधने। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ना है, अपने अपने भगवान को लगे मनाने। हे भगवान कृपा करो हमसे ही धनुष तोड़वाना। जितने राजा थे सब बारी बारी से चल पड़े। परिकर बांधे उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकि ताकि तक शिव धन धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। जितने राजा थे सब बारी बारी से जाते हैं धनुष के पास, लेकिन धनुष को उठाना तो दूर, तिल मात्र कोई हिला तक नहीं पाया। और एक अच्छी बात आपसे बताऊं कि उस सभा में 10,000 राजा उपस्थित थे, और 10,000 राजा में एक राजा जब जाता था धनुष के पास धनुष को तोड़ने के लिए, तो 9,999 राजा ये अपने अपने भगवान से मनाते थे, प्रभु इससे मत तोड़वाना। अब सोचिए कहाँ एक राजा की प्रार्थना और कहाँ 9,999 राजा की प्रार्थना। भगवान किसकी सुनेंगे? एक की सुनेंगे कि उतने सारे जिधर बहुमत रहेगा उधर ही तो सुनेंगे। सारे राजा बारी बारी से पहुंचे और जाकर के धनुष के पास, धनुष के हाथ वो अपनी कीर्ति गवा करके वापस बैठ गए। लेकिन उसी में से जो समझदार राजा थे उन्होंने सोचा, हम भूपति हैं, जानकी भूमि जा हैं, कोई भी पिता अपनी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता है, इसलिए वो गए ही नहीं। उसी सभा में रावण और बाणासुर भी आए हुए थे। जब रावण और बाणासुर भी उपस्थित थे तो रावण ने सोचा जा करके धनुष को तोड़ आऊं। लेकिन उसी समय शिव जी ने रावण को इशारा किया, कहा देखो अगर यहाँ चले आए धनुष के पास तो तीसरा नेत्र खुल जाएगा, जल्दी वापस जाओ। रावण और बाणासुर धनुष को प्रणाम करके उस सभा से निकल पड़े, चले गए। अब जो राजा बचे थे, अब सबने सोचा भाई क्या होगा, धनुष कैसे टूटेगा। तो सब राजा ने एक युक्ति निकाली, कहा एक काम करते हैं, चलो सब मिलकर के इस धनुष को तोड़ देते हैं। 10,000 मिलकर के एक साथ तोड़ेंगे तो जरूर टूटेगा। अब एक राजा था, उसने कहा अच्छा ये बताओ 10,000 हम हैं और किशोरी एक हैं, अगर धनुष टूट गया तो विवाह किससे होगा? 10,000 से तो होगा नहीं, किसी एक से ही होगा। एक ने कहा कोई बात नहीं, उसकी भी युक्ति है, पहले जो सामने आया है उसको देखते हैं, पहले तोड़ देते हैं और जब टूट जाएगा तो आपस में युद्ध किया जाएगा, और आपस में जब युद्ध करेंगे अंत में जो एक बचेगा उसी से किशोरी का विवाह हो जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप सहस दस कहीं बारा लगे थे 10,000 राजा एक साथ जाकर के धनुष को तोड़ना प्रारंभ किए, लेकिन धनुष टूटना तो दूर, तिल मात्र हिला तक नहीं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक पत्नी व्रता, एक पतिव्रता स्त्री होती है और किसी कामी पुरुष के वचनों को सुन करके उसका मन तिल मात्र अपने पति के चरणों से क्षण मात्र के लिए भी डिगता नहीं है, उसी प्रकार से धनुष भी 10,000 राजा पहुंच गए एक बार तोड़ने के लिए, एक साथ तोड़ने के लिए, लेकिन वो तिल मात्र हिला तक नहीं अपने स्थान से। सब राजाओं को चिंता हुई अब क्या किया जाएगा। महाराज जनक उस सभा के मध्य में खड़े हो गए,
कहा मैं जान गया धरती वीरों से खाली है, यहाँ दीप दीप के राजा आए हुए थे, मैंने किसी को न्योता नहीं दिया था, सब मेरा प्रण सुन सुन करके इस सभा में उपस्थित हुए थे। अरे कीर्ति वर्ण्य करने योग्य है, हमारी किशोरी सुंदर है, हर प्रकार से गुणवान है, लेकिन फिर भी लगता है ये किसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं जान गया धरती वीरों से खाली है, वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया हूं धरती वीरों से खाली है। और आपको बताऊं, जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना कि महाराज जनक ने कहा कि धरती वीरों से खाली है, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, लेकिन लक्ष्मण जी पहली बार सुन करके चुप हो गए। क्यों? सोचते हैं भैया राम बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जी बैठे हुए, जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही महाराज जनक ने दूसरी बात बोल दी, क्या जौ जन तेउ बिन भट भूमि भाई, तौ पन कर हो तेउ ना हसाई। अगर मैं जानता कि ये धरती वीरों से खाली है तो कदापि अपनी हसाई नहीं करवाता, कदापि अपना उपहास नहीं करवाता, लेकिन मैं जान गया हूं, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, अपने प्रण को अगर छोड़ता हूं तो कलंक लगेगा, और अगर प्रण पे रहता हूं तो किशोरी अविवाहित ही रह जाएगी, मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन लक्ष्मण जी जैसे ही दूसरी बात सुने महाराज जनक की, महाराज जनक की दूसरी बात सुन करके लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए और अपने स्थान पर खड़े हो गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, भगवान राम को प्रणाम किया। भगवान लक्ष्मण बिल्कुल क्रोधित हैं, नेत्र मानो लाल लाल हो गए, बिल्कुल अंगारे बरसा रहे हैं, होठ फड़फड़ाने लगे। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रदपट फरकत नयन रिसो है। भगवान लक्ष्मण के होठ फड़फड़ाने लगे। कहा प्रभु, जिस सभा के मध्य में एक छोटा सा रघुकुल का बालक भी उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता, लेकिन आपके रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। प्रभु अगर आपका आदेश हो तो मैं बताता हूं कि कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कछु अभिमान, जो तुम्हारो अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिम डारो पूरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, तौ प्रताप महिमा भगवान, को बापुरो पिनाक पुराण, नाथ जाने अस आये सुहोई, कौतुक करो बिलोकी सोई, खड़े होकर के कहते, प्रभु जिस सभा के मध्य में एक छोटा सा बालक भी उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता, लेकिन आपके रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। प्रभु जनक ने धनुष को तोड़ने की बात की, नाथ अगर आपका आदेश हो, अगर आपका आशीर्वाद हो, तो जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक हाथ में गेंद को उठा लेता है, उस प्रकार से मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं, जिस प्रकार से बरसात के मौसम में छत्रक निकले हुए होते हैं और एक छोटा सा बालक से रौंद देता है, उस प्रकार में उस पूरे ब्रह्मांड को चूर्ण चूर्ण करके रख दूं, जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक अपने हाथ में मूली लेकर के तोड़ मरोड़ करके रख देता है, उसी प्रकार से मैं सुमेर पर्वत को लेकर के आऊं और उसे चूर्ण चूर्ण करके रख दूं। प्रभु अगर आपका आदेश हो तो जनक ने धनुष को तोड़ने के बाद की, अगर आपका आशीर्वाद हो, आपका आदेश हो,
इस धनुष को खंड खंड तोड़ करके ले जाऊं, और तोड़ू ही नहीं 100 योजन दूर तक ले करके जाऊं और पूरे संसार वालों को बता दूं कि आज मैंने धनुष को खंड खंड कर दिया। और हे प्रभु, आपके चरणों की शपथ खा करके कहता हूं कि अगर आज मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आज के बाद मैं धनुष बाण धारण तक नहीं करूँगा, लेकिन प्रभु जो कुछ भी करूँगा सब आपके आशीर्वाद से करूँगा। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी आज इतने क्रोध में हैं लेकिन फिर भी सावधान हैं कि प्रभु मैं इतना कुछ करूँगा लेकिन जो करूँगा आपके आशीर्वाद से करूँगा, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण जी जब इतना बोल पड़े, जनक जी मुस्कुराने लगे, कहे अभी बड़ा वाला बैठा ही है, छोटा वाला इतना बोल पड़ा, मैं तो बस यही चाहता था। अब जब छोटा वाला इतना बोल पड़ा तो जब बड़ा वाला बोलेगा तो न जाने क्या होगा। जनक जी प्रसन्न हो गए, लेकिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम अरे हम लोग धनुष भंग में आए हुए हैं और लक्ष्मण धनुष के पास पहुंच गया है, और अगर लक्ष्मण ने धनुष को तोड़ दिया तो सब उल्टा काम हो जाएगा, जल्दी बुलाओ। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को अपने नेत्रों से इशारा किया और कहा कि सयन ही रघुपति लखनाने वाले, सयन ही रघुपति लखनाने वाले, प्रेम समेत निकट किया, कहा पास आओ और अपने समीप बैठाया। कहा वाह लक्ष्मण भैया, आज तो बहुत बढ़िया बोला आपने, अरे जरा जनक जी का चेहरा तो देखो कैसा उड़ गया है, चेहरे लाल पड़ गए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आप आदेश करते एक बार तो मैं धनुष को तोड़ भी देता। भगवान राम ने कहा ना ना, हम लोग धनुष तोड़ने नहीं आए, हम लोग धनुष सिख देखने आए हैं। और मन में सोच रहे लक्ष्मण अगर धनुष को तुम तोड़ देते तो हमारा क्या होता। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जान करके राम जी को इशारा किया, कहा राम विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, स्वामित्री जी ने शुभ समय जान करके राम जी से कहा हे राम उठिए और इस धनुष को खंड खंड करिए। भंजने का अर्थ क्या होता है, तोड़ना तो समझ में आता है लेकिन भंजना क्या होता है। विश्वामित्र जी राम जी से कहना चाहते हैं कि राम इस धनुष को भंज डालिए, अर्थात खंड खंड कर डालिए, ताकि जनक जी चाहे कि दोबारा जुड़वा सके तो दोबारा जुड़वा न पाए। राम जी उठे हैं अपने स्थान से और उठ करके गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और वहां से धीरे धीरे जा रहे हैं। अब इधर सुनैना मैया थी, सुनैना मैया ने जब भगवान राम को आता हुआ देखा तो सुनैना मैया कहते हैं इस सभा में कोई विद्वान नहीं बैठा क्या, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा, अरे इस सभा में इतने राजा उपस्थित हैं, एक से एक वीर योद्धा हैं, लेकिन तोड़ना तो दूर कोई तिल मात्र हिला तक नहीं पाया, और एक छोटे से बालक को आप सब कह रहे हैं कि वो धनुष को तोड़ेगा। एक मच्छर को कहते तुम सुमेरु पर्वत उठा लो, क्या ये संभव है। सखियां पास में बैठी हुई थी,
कहा सुने ना चिंता न करिए, तेजवंत लघु गनी न रानी, छोटे को छोटा न समझिए। क्यों? जिस प्रकार से एक सूर्य का छोटा सा गोला जब बाहर निकलता है तो पूरे संसार के अंधकार को समाप्त कर देता है, जिस प्रकार से एक छोटे से मंत्र के वश में सारे देवता आ जाते हैं, उसी प्रकार से इस बालक को भी छोटा ना समझिए, ये अवश्य तोड़ेंगे, धैर्य रखिए। जब भगवान राम धनुष के पास में पहुंचे हैं, जब धनुष के पास में गए, धनुष भगवान की परिक्रमा करने लगे, परिक्रमा करते समय इधर जानकी मैया भगवान भोलेनाथ से निवेदन करती हैं, हे प्रभु, मेरे प्रभु धनुष को तोड़ना चाहते हैं, ये आपकी धनुष है, कृपया इस धनुष भगवान से कहिए थोड़े हल्के हो जाए। भगवान शिव ने नहीं सुने, माँ गौरी से कहा, हे माँ, आपने ही तो मुझे वरदान दिया था कि ये मुझे प्राप्त होंगे, आपके पति का धनुष है, उनसे निवेदन करिए ना कि थोड़े हल्के हो जाए। माँ पार्वती ने भी जब नहीं सुना, गणपति भगवान के पास गई, उन्होंने भी नहीं सुना, अंत में धनुष भगवान के पास गई और धनुष भगवान से कहती हैं, प्रभु अब आप ही एक उम्मीद की किरण है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप थोड़े हल्के हो जाइए। धनुष भगवान ने कहा, कितने हल्के हो जाए? 5 किलो का चलेगा? जानकी मैया ने कहा, नहीं प्रभु, इससे भी कम। कहा, 2 किलो, वो भी नहीं चलेगा। फिर 1, नहीं प्रभु वो भी नहीं चलेगा। 1/2 किलो, वो भी नहीं। फिर 100 ग्राम चलेगा क्या? कहा, इतना भी नहीं चलेगा। धनुष भगवान ने कहा, फिर ये धनुष क्या तोड़ेंगे जब ये 100 ग्राम भी नहीं उठा सकते? किशोरी मैया ने कहा, प्रभु मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, अरे मैंने पुष्प वाटिका में इन्हें पुष्प लेते हुए देखा था, और जिन्हें पुष्प लेते समय पसीने आ रहे हों, क्या वो धनुष उठा पाएंगे? जो एक पुष्प नहीं ले पा रहा है वो क्या धनुष को उठा पाएगा? धनुष भगवान ने कहा, चाहिए बताओ मैं अपना भार क्या करूं, कहां ले जाऊं? किशोरी मैया ने कहा, प्रभु यहां पर जितने कपटी राजा बैठे हुए हैं, आप अपना भार सब उनके सर पे डाल दीजिए और हल्के हो जाइए। धनुष भगवान ने अपना सारा भार उन कपटी राजाओं पर, दुष्ट राक्षसों पर डाल दिया। सारा भार जब समाप्त हो गया, भगवान राम धनुष के मध्य में खड़े हो गए और धनुष को एक टक देखने लगे, निहारने लगे। उसी समय लक्ष्मण जी फिर से खड़े हो गए और खड़े होकर के लगे धरती को दबाने। अब जितने राजा उपस्थित थे उस सभा में, उन राजाओं ने सोचा, एक बार उठा तो इतनी गर्जना किया, अब दूसरी बार उठेगा तो ये क्या करेगा? अब ये क्यों खड़ा हुआ है? कहीं यही तो नहीं धनुष तोड़ने वाला है, या फिर दोनों भाई मिलकर धनुष तोड़ना चाहते हैं? लक्ष्मण जी खड़े होकर के कहते हैं, कक्षप, हे बारा, हे शेष, आप जितने हो, हे पृथ्वी, आप सभी लोग सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु अब धनुष को तोड़ना चाहते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाथ धनुष को तोड़े और ये पृथ्वी ही बाहर आ जाए, ऊपर आ जाए, इसलिए सब लोग इसे थाम के बैठे रहो, सावधान हो जाओ। इसका भी कारण है कि लक्ष्मण जी क्यों धरती को दबाने लगे। ऐसा संत महात्मा कहते हैं कि धरती मैया की पुत्री माँ जानकी तो है ही, तो धरती मैया और लक्ष्मण जी के बीच में एक संवाद हुआ। धरती मैया लक्ष्मण जी से कहती हैं, लक्ष्मण जी आप चिंता मत करिए, मैं जानकी की माँ हूँ और माँ जिससे चाहेगी उसी से उसकी बिटिया का विवाह होगा। मैं धनुष को पकड़ करके बैठी रहूंगी और जितने राजा आएंगे मैं अपने स्थान से हिलूंगी नहीं, और वो हिला तक नहीं पाएंगे इस धनुष को, आप चिंता न करिए। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, माँ ये तो ठीक है, आप जितने राजा आएंगे धनुष को पकड़ करके बैठी रहेंगी, लेकिन अगर मेरे भैया राम आए और ऐसे ही आप धनुष को पकड़ करके बैठी रहेंगी, पता चले वो भी ऐसे ही चले जाएं, फिर क्या होगा? कुछ इशारा तो बताओ, क्या करूं, कैसे आपको पता चले? माँ धरती ने कहा, लक्ष्मण जी जब आपके भैया राम आएंगे तो आप जोर जोर से हमको दबाने लगिएगा अपने पाँव से, मैं समझ जाऊंगा कि रघुनाथ जी मेरे समीप चले आए हैं।
भगवान राम धनुष के मध्य में खड़े हुए जिस प्रकार से सर्प कीड़े मकोड़ों को अपना ग्रास बनाने के लिए एक टक उसे देखता है, आज उसी प्रकार से भगवान राम उस धनुष को निहारे जा रहे हैं। भगवान शिव को प्रणाम किया, धनुष भगवान को प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके धनुष को उठाया है। जैसे धनुष को उठाया, धनुष के मध्य में ले जा करके एक बिजली की कड़क हुई और प्रत्यंचा चढ़ाया धनुष पर, और जैसे प्रत्यंचा चढ़ी बिजली की गड़गड़ाहट हुई और उसी गड़गड़ाहट में उस धनुष के मध्य में ले जा करके भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया है, सब प्रसन्न हो गए। जितने राजा थे, जितने देवी देवता थे, सब आपस में बात करते हैं, हुआ क्या, इतना शोर कैसा, इतनी गड़गड़ाहट कैसी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आप सब चिंता न करें, आज मेरे भगवान श्री राम ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर डाला है। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। जैसे ही पूरी संसार में हाहाकार मच गया, लेकिन सब तरफ खलबली तो मच गई, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम मानो ऐसे खड़े मानो कुछ हुआ ही नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु दो चापा खंड मही डारे, प्रभु दो चापा खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखा, आज प्रसन्न है। इधर माँ की अष्ट सखियां जनक जी ने आदेश दिया, जाकर के जानकी मैया को लेकर के आती हैं। आइए बड़े भाव से गाते हैं कि झुक जइयो लला एक बार,
जब सखियां लेकर के माँ जानकी को भगवान के समीप आती हैं, तो प्रेम के वशीभूत होकर के जानकी मैया भगवान राम को वरमाला नहीं पहनाती हैं। कहती हैं, प्रभु अरे जब कृषि सूख जाए, जब हर तरफ सूखा पड़ जाए और उसके बाद जब बारिश हो, तो उस बरसात का क्या मतलब है? नाथ, हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे और आप इतने विलंब से धनुष को तोड़ने आए। प्रभु पहले भी आ सकते थे, लेकिन ठीक है, चलिए जब भी आए, लेकिन कम से कम आके तुरंत धनुष को तोड़ना चाहिए था। आप धीरे धीरे हाथी की चाल चल रहे हैं, पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि मेरा एक एक पल, एक एक क्षण कैसे कट रहा था। अगर आपने विलंब किया तो मैं भी विलंब करूंगी, मैं भी आपको वरमाला नहीं पहनाऊंगी। इधर सखियों को लगा कि भगवान राम बड़े हैं और जानकी मैया छोटी पड़ जा रही हैं, इसलिए जानकी मैया वरमाला नहीं पहना पा रही। सखियां गाती हैं, हे रघुनंदन एक बार झुक जाइए और ये विजय की वरमाला पहन लीजिए। कि झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। सखिया कहती हैं, हे रघुनाथ जी आज आप ये विजय वरमाला पहनिए। सुनियो विनय दशरथ झुके लाला, हम गावे, हम सब गावे,
आज भगवान का भव्य विवाह उत्सव हो रहा है। जितने भी भक्तगण बैठे हुए सभी लोग पूरे पूरे हाथ खड़े करके बड़े भाव से गाएंगे। अरे हम गावे सुमंगल चाल ली मोरी छोटी सी, हम गावे सुमंगल चाल छोटी सी। सखियों ने भगवान राम से बड़ा निवेदन किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपको झुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान राम के समीप में लक्ष्मण जी खड़े थे। सखियों ने सोचा जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं है। सखियों ने निवेदन किया भगवान से बारंबार, लेकिन नहीं झुके। लक्ष्मण जी के पास सखियां पहुंची और लक्ष्मण जी से कहा इधर सुनिए। कहा क्या है? आप अपने भैया से थोड़ा दूर हटिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो बचपन से जब से होश संभाला मैंने तब से लेकर आज तक इतने बड़े हो गए, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे भैया से मुझे दूर कर दे, फिर आज मैं कैसे दूर होऊंगा। सखियों ने कहा दूर तो होना पड़ेगा क्योंकि हमारे मिथिला की यही रीति है भाई, विवाह किसका हो रहा है, आपका हो रहा है कि आपके भैया का हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया का ही हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा साइड हो जाइए। राम जी को देखा लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा भाई ससुराल है कुछ बोल नहीं सकते। जैसे ही लक्ष्मण जी अलग हुए सखियाँ पहुँची भगवान के पास। सखियों ने आपस में बात किया और कहती हैं हमने सुना ये बड़े शर्मीले हैं, एक काम करो चलो मिलके इनको गाली देना शुरू करते हैं, अगर गाली देना प्रारंभ करेंगे तो ये शर्म से अपने सर को झुका लेंगे और उसी समय जानकी तुम इन्हें वरमाला पहना देना। सखियाँ राम जी के पास जाकर के कहती हैं अरे देखो देखो कैसा काला कलूटा दूल्हा आया है, हमारी जानकी इतनी गोरी सी और ये काला करिया दूल्हा है, सभी मिल करके भगवान को गाली सुनाती हैं। आइए हम भी मिलकर के भगवान को आज गाली सुनाते हैं। कि दुल्हा के रंग आसमानी ललिता के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिता के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिता के रंग बादामी, मिल गया हमारे किशोरी को। कहती है काली काली जुल्फे और केश घो घराले, 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 कुसुम कली मन मानी ललित के रंग बादा, भगवान मुस्कुराए जा रहे हैं। मधुर मधुर मुस्कानी ललित के रंग बादामी, मधुर मधुर मुस्कानी ललित के रंग बादामी, मधुर मधुर मुस्कानी ललित के रंग बादामी।
गाली देना प्रारंभ किया भगवान को। अब भगवान गाली सुन करके लज्जा से अपना सिर नीचे झुका लिए, और जैसे ही अपने सिर को नीचे झुकाया चतुर सखी ने इशारा किया जानकी वरमाला पहनाओ, और जानकी मैया ने भगवान राम के गले में वरमाला पहना दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सब मंगल ही मंगल हो गया, सारे देव पुष्प की वृष्टि करने लगे, सभी लोग पूरे पूरे हाथ खड़े करके बड़े भाव से गाएंगे। अरे सखी सब प्रेम में रंगानी लल के रंग बादामी, सखी सब प्रेम में रंगानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग प्रकार से जानकी मैया का विवाह तो संपन्न हो गया धनुष भंग होते ही, लेकिन सतानंद जी ने महाराज जनक से कहा, हे जनक जी, इधर वशिष्ठ जी ने भी महाराज जनक से निवेदन किया, महाराज विवाह तो संपन्न हो गया लेकिन आपके रीतियों के हिसाब से, आपकी परंपरा के, आपके कुल के हिसाब से जिस प्रकार से विवाह होता हो उस प्रकार से आप अवश्य विवाह करें। अभी बात ही चल रही थी तब तक उसी समय परशुराम जी चले आए। अब जैसे परशुराम जी आए, जितने राजा बैठे हुए थे सभा के मध्य में सभी खड़े होकर के परशुराम जी को प्रणाम करने लगे, अपना और अपने पिताजी का नाम लेकर के। देखिए कोई भी होता है, अगर कहीं कोई कार्य होता है तो हम लोग जाते हैं, हम कहते हैं हम फलाना पांडे के बेटे हैं या बिटिया हैं, लोग सोर्स पानी लगाते हैं ताकि वो मुझे पहचान सकें। उसी प्रकार से आज जितने राजा उस सभा में उपस्थित हैं सब अपने पिताजी का नाम लेकर के, अपना नाम बता करके प्रणाम करते हैं कि परशुराम जी दया कृपा बनाए रखना, कहीं उसी फरसे से राम नाम सत्य ना कर देना, क्योंकि परशुराम जी बड़े क्रोध में आए हुए हैं। महाराज जनक की तरफ परशुराम जी ने देखा, महाराज जनक से कहते हैं कि जनक आज तुम्हारे इस दरबार में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, ये मेला कैसा लगा रखा है तुमने, क्या बात है, मुझे सत्य सत्य सारी बातें बताओ। जनक जी से प्रश्न किया, परशुराम जी बड़े क्रोध में हैं, अब जितने राजा थे सब आपस में बात कर रहे हैं, राजाओं ने कहा कि मुझे नहीं पता था भगवान इतने दयालु हैं। कहा कैसे, राजाओं ने कहा देखो भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अगर सोचो भूल से भी अगर धनुष टूट गई होती तो बाबा तो आज राम नाम सत्य कर देते, अब जो धनुष को तोड़ा है वही भुगते। भाई हम लोगों ने तो तोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं कि कोई सामने जा कर के बोल दे कि हमने ही धनुष को तोड़ा है, राम जी ने धनुष को तोड़ा है। सब लाइन में वैसे ही खड़े हैं, परशुराम जी को प्रणाम करके सब सर नीचे झुकाए हुए हैं, न जाने आज क्या होने वाला है। अब सब डरे हुए हैं, महाराज जनक आए हैं, महाराज जनक कहते हैं हे ऋषिवर आप क्रोधित ना हो। परशुराम जी जनक कहते हैं कहू जड़ जनक धनुष कै तोरा, हे जड़ जनक आज बताओ इस सभा में मेरे शिव जी के पिनाक को किसने तोड़ा, सिर्फ उसका नाम बता दो मुझे। राम जी लक्ष्मण जी खड़े थे, राम जी कहते हैं परशुराम जी से हे ऋषिवर आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं, इस धनुष को जिसने भी तोड़ा होगा आपका कोई दास ही होगा, कृपा करिए प्रभु दया करिए क्यों इतना क्रोधित है। परशुराम जी ने कहा कि सेवक होगा, अरे सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई, अरे तुम सेवक कहते हो, सेवक वो होता है शिष्य वो होता है जो गुरु की सेवा करे गुरु के आदेश का पालन करे, ऐसा कौन सा शिष्य होगा जो अपने गुरु जी को जो धनुष इतना प्रिय है उसके ही गुरु जी के धनुष को खंड खंड कर डाले। लक्ष्मण जी ने देखा कि लगता है ये हमारी पार्टी वाले हैं,
ये भगवान से नहीं निपटने वाले हैं। लक्ष्मण जी राम जी को पीछे किए और परशुराम जी के सम्मुख जाकर के खड़े हो गए। कहे बाबा कहिए क्या बात है, काहे इतना नाराज बैठे हैं, क्या हो गया है? परशुराम जी से पूछा, कहा ऋषिवर हम दोनों बचपन में न जाने ऐसे कितने धनुष को तोड़ दिया, तब तो आपने बिल्कुल क्रोध नहीं किया, और प्रभु इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? परशुराम जी बिल्कुल क्रोध में आगे कहते हैं, बालक तू इतना छोटा सा है फिर भी हमसे जुबान लड़ाता है, अरे जो तुम लोगों ने बचपन को जिस धनुष को तोड़ा तुमने वो एक साधारण सी धनुष थी तुम्हें खेलने के लिए, लेकिन ये धनुष है वो शिव जी का पिनाक है, मेरे भगवान मेरे गुरुदेव जी का धनुष है, और जिस धनुष को किसी ने खंड खंड कर दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं आप बेवजह ही इतनी फिक्र कर रहे हैं, इतनी चिंता कर रहे हैं, अरे इस धनुष को मेरे रघुनाथ जी ने ही तोड़ा है, लेकिन आपको बताऊं उनकी भी गलती नहीं है, उनका भी कोई दोष नहीं है। कहा कैसे? कहा छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। अरे जैसे ही हमारे रघुनाथ जी ने स्पर्श किया धनुष टूट गई, क्यों? क्योंकि कई साल की पुरानी हो गई थी, जैसे स्पर्श किया टूट गया, इसमें हमारे भैया की क्या गलती है? परशुराम जी बड़े क्रोध में आए, भगवान राम फिर सम्मुख आकर के परशुराम जी को मनाते हैं, और अभी मनाने का प्रयास ही करते तब तक फिर लक्ष्मण जी कोई ना कोई ऐसी बात कर देते कि परशुराम जी को फिर क्रोध आ जाता। इस प्रकार से राम जी परशुराम जी के बीच में ये संवाद चल रहा है, बड़ा ही अद्भुत वर्णन है, लेकिन संक्षिप्त में इसको ले चलेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई ना ही, यहाँ कोई छोटा सा बालक नहीं है, अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो हम आपसे युद्ध भी करेंगे। राम जी पास आए, परशुराम जी ने क्रोध में कहा विश्वामित्र अपने शिष्यों को मना कर दो, वरना मुझे लगता है कि आज इसका काल बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, आज मेरे फरसे से इसका अंत निश्चित है, इस बालक पे मैं छोटा जान के दया कर रहा हूँ, इसलिए इसे मना करो। राम जी कहते हैं हे ऋषिवर आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, दया करिए प्रभु कृपा करिए, अरे ये दूध मुआ बच्चा है, क्यों आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? परशुराम ने कहा ये दूध मुहा बच्चा नहीं है, अरे दूध मुहा ना है ता बिसमुहा हा, ये बीस मुख वाला है, मैं इसे पहचान गया हूं, इसे संभालो वरना आज कुछ गलत हो जाएगा। इस प्रकार से करके बहुत सारे संवाद हुए राम जी परशुराम जी के मध्य में, अंत में भगवान राम परशुराम जी के समीप आए और कहते हैं प्रभु आप हमसे किस प्रकार से क्रोधित हैं, आपको लगता है कि मैंने धनुष को तोड़ दिया? अगर प्रभु आपको इतना ही क्रोध है, अगर आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो हमारी रघुकुल की ये परंपरा है कि हम किसी युद्ध भूमि से किसी रणभूमि से पीछे नहीं हटते, हमारे रघुवंश की ये परंपरा है, और मैं राम आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे युद्ध भी करूँगा, लेकिन प्रभु अगर मैंने आपसे युद्ध किया तो हर प्रकार से मेरी हार होगी। पूछा कैसे? भगवान राम ने कहा प्रभु आप हर प्रकार से हमसे बड़े हैं, और देखिए मैं ठहरा क्षत्रिय, आप हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है प्रभु, वो एक छोटा सा बालक ही क्यों ना हो, मैं इस प्रकार से भी आपसे छोटा हूँ, मेरा नाम है राम आपका नाम है परशुराम, आप नाम में भी हमसे बड़े हैं प्रभु, मेरे पास एक गुण है कि मैं धनुष बाण चला लेता हूँ, आपके पास तो नौ के नौ गुण विद्यमान है प्रभु, किस प्रकार से मैं आपसे युद्ध करूँ? और नाथ अगर आपसे युद्ध भी मैंने कर लिया तो युद्ध में अगर मैं जीत गया और आपको मैंने मृत्यु प्रदान कर दी तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली उसका भी पाप मुझे लगेगा, उस प्रकार से भी मैं हार जाऊंगा, और अगर आपने मुझे हरा दिया तो भी मैं तो हारूंगा ही, इसलिए हे नाथ आप मुझसे क्यों क्रोधित हैं, मैं हर प्रकार से आपसे छोटा हूँ, मुझे क्षमा करें। परशुराम जी ने
जब भगवान राम के मुख से ये सारी बातें सुनी, परशुराम जी को लग गया कि ब्राह्मण का इतना सम्मान राम के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। परशुराम जी पहचान गए भगवान राम को। कहा, राम मेरा एक काम आप कर दो। क्या? कहा, राम ये धनुष है, उस धनुष का नाम था अजगों, और इस अजगों धनुष पर अगर आप प्रत्यंचा चढ़ा दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान राम का अवतार हो चुका है। भगवान राम ने अजगों धनुष को अपने हाथ में उठाया और लेकर के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाई, परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके 9 बार भगवान राम की जय जयकार बोल करके वहां से चल पड़े। परशुराम जी गए हैं, अब इधर सब प्रसन्न हो गए। महाराज जनक ने पत्रिका लिखी और उस पांती को दूतों के सहारे श्रीधाम अयोध्या जी में भिजवाया। दूत श्रीधाम अयोध्या पहुंचे पत्रिका लेकर के। महाराज दशरथ के पास राजमहल में प्रवेश किए। जा करके दूतों ने महाराज दशरथ से सारी बातें बताई। महाराज दशरथ सुनकर के इतना प्रसन्न है कि उस पत्रिका को दूतों से नहीं पढ़वाया, स्वयं पढ़ रहे हैं। बारी बारी से भरत जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न भैया को, सबको पढ़ाए जा रहे हैं। तीनों महारानियों को पढ़ाया, सुनकर के सब मगन हैं। इधर जो दूत थे कहते हैं कि राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, आहे चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। हमरा राजा जनक जी के धिया जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक जी के धिया जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक जी के धिया जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक जी के धिया जिनके नाम बाटे सिया। उन्होंने क्या किया? दुल्हा चुनली रौरे, दुल्हा चुनली रौरे बड़ के राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। दुल्हा चुनली रौरे बड़ के राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। विश्वामित्र मुनि के साथ आइले लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 उनको देख करके कि लुगवा पागल भैले, लुगवा पागल भैले जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। लुगवा पागल भैले जोड़ी जुगल निहार के,
क्या कहा, हमारे महाराज जनक का ये प्रण था, प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहारी, प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहारी, प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहारी, प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहारी। हमारे महाराज जनक जी का प्रण था कि शिव जी के पिनाक को जो खंड खंड तोड़ेगा उसी से किशोरी का विवाह होगा, और आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने ये कर दिखाया, और वहाँ देश विदेश के राजा उपस्थित थे। कहते हैं गईले देश देश के, गईले देश देश के राजाओं हमार के, आई चिट्ठी बा सरकार के ना, गईले देश देश के राजाओं हमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना, गईले देश के राजाओं हमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना, गईले पढ़ली चिट्ठी के सब बात आकले बड़ी गात, पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके चली आई बड़ी गात, पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके चली आई बड़ी गात, और शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के, चिट्ठी बा सरकार के ना, शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के, चिट्ठी बा सरकार के ना, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। दूत सब महाराज दशरथ के पास पहुँच करके पत्रिका दे करके वापस चले आए। इधर महाराज दशरथ बारात की पूरी तैयारियां कर लिए, पूरी तैयारियां होने के पश्चात बारात निकल पड़ी, लेकिन उस बारात में एक कमी रह गई। संसार में जितने विवाह आप देखे होंगे, सब विवाह में दूल्हा होता है फिर पीछे बाराती होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विवाह है कि दूल्हा पहले से ही जाकर के ससुराल में बैठा हुआ है, और ये बारात बिना दूल्हे के निकल पड़ी। रास्ते वाले सोचते हैं भाई दूल्हा है ही नहीं और बाराती चले जा रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा एक काम करते हैं, बिल्कुल राम के जैसे भरत दिखाई पड़ते हैं, क्यों ना भरत को ही दूल्हा बना दिया जाए। भरत जी को ही दूल्हा बना दिया गया और बारात निकल पड़ी। रास्ते में महाराज जनक ने रहने के, भोजन करने के जगह जगह पर सारी व्यवस्थाएं कर दी थी, किसी को कोई परेशानी ना हो। बारात 15 दिन पहले पहुंच गई मिथिला में, 15 दिन पहले जब बारात पहुंची, इधर महाराज दशरथ के पास दौड़े भागे भगवान राम गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से महाराज दशरथ भगवान राम को देख नहीं पाए हैं। महाराज दशरथ ने भगवान राम को देखा, गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान राम के पास नारद जी भगवान राम के विवाह का मुहूर्त निकाल करके ले गए। भगवान राम के विवाह का मुहूर्त निकला अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। विवाह का दिन निकाला गया, सभी जनवासी में आनंद कर रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। विवाह का दिन आया,
सारी सखियां भगवान राम को लेकर के आंगन में आती हैं। पीतांबर वेश धारण करके, धोती पहन करके आज भगवान राम आंगन में चले आए। इधर भगवान शिव, कार्तिकेय भगवान, जितने देव थे, जितनी देवियां थी, सभी स्वरूप बना बना करके आज भगवान राम के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। भगवान शिव जी भगवान इस राम के विवाह को 15 नेत्रों से देख रहे हैं। स्वयं कार्तिकेय भगवान इस भगवान राम के विवाह को अपने 12 नेत्रों से देख रहे हैं। लेकिन सभी देवता मिलकर के इंद्रदेव की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं आज इंद्रदेव बड़े बड़भागी हैं। क्यों? क्यों? उनकी उनके पास, हम लोग के पास, किसी के पास 10 है, किसी के पास 15 है, लेकिन इंद्रदेव के पास सहस्त्र नेत्र हैं, पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र हैं। अपने 1000 नेत्रों से आज इंद्रदेव भगवान राम के विवाह का आनंद ले रहे हैं। इंद्रदेव जैसा बड़भागी कोई दूसरा नहीं इस संसार में। सब प्रसन्न है, सब आनंदित है। आंगन में लेकर के सखियां आई हैं और भगवान को देख करके कहती हैं, ये कितने कोमल हैं, इनके पांव तो देखो कितने कोमल कोमल हैं। भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी हैं। एक सखी कहती है कि अरे कोमला कमल के जैसन, गुड़वा के तरुआ सखी है, गुड़वा के तरुआ सखी है, देखो ना दोनों भैया सांवर गोर सखी है, देखो नयनवा के चोर सखी है, देखो
सखियों ने भगवान को देखते हुए कहा, देखो कितने सुकोमल हैं, कितने सुंदर हैं। भगवान राम आज श्रृंगार करके आंगन में बैठे हुए हैं। सखियां मिल करके उबटन लगाती हैं भगवान को। आज भगवान के विवाह होने का समय आ गया। जानकी मैया आई है, दोनों एक आसन पर बैठे हुए हैं। चारों वेद भगवान स्वयं आकर के वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं। स्वयं अग्निदेव साक्षात प्रकट होकर के अपने भाग पर बैठे हुए हैं। जितने देवी देवता थे सब साक्षात आए हुए हैं। स्वयं भगवान सूर्य नारायण भी चले आए हैं। उनके वंश में आज भगवान राम का विवाह हो रहा है। सभी आए हुए हैं। शाकोचार हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, चार भावरी पड़ी। सभी मिलकर के किशोरी मैया और भगवान राम का जयकारा लगाने लगे। मुनियों ने आदेश दिया, हे राम, अब आप जानकी को सिंदूर दान प्रदान करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामा सिया सीरा सिंदूर दे, रामा सिया सीरा सिंदूर दे, शोभा कही ना जाती विधि के ही, शोभा कही ना जाती, बहुरी वशिष्ठ से भगवान राम ने माँ जानकी को सिंदूर प्रदान किया। भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सखियां भगवान राम को लेकर के कोहबर में जाती हैं, और जाते समय जिस प्रकार से हम और आप विनोद आपस में चलता है, उसी प्रकार से आज सखियां भगवान राम से भी विनोद करना प्रारंभ की। एक सखी लक्ष्मण जी को सुनाते हुए कहती है, अजी सुनती हो? कहा, क्या तुम्हें अयोध्या के बारे में कुछ पता है? तो एक सखी ने कहा, नहीं मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ। तो वो सखी कहती, जानती हो अयोध्या में बच्चे कैसे होते? कहा, कैसे? कहा, देखो मैंने सुना है कि अयोध्या में माताएं खीर खाती हैं और बच्चे हो जाते हैं। कहा, अच्छा। लक्ष्मण जी ने जैसे सुना अब तो क्रोधित हो गए। कहा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। कहा, भैया आपने सुना है, आपको पता है कि मिथिला में बच्चे कैसे होते? कहा, नहीं। कहा, जानते हैं मिथिला में बच्चे कैसे होते हैं? अरे हमारे यहाँ तो माताएं खीर भी खा लेती हैं। अरे यहाँ यहाँ तो खीर भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तो खेत में जाओ, हल चलाओ, बिटिया लेकर के घर चले आओ। जोड़ का तोड़ लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया। सखियों का मुंह बंद हो गया। एक सखी कहती है, अरे इनको लगता है कि धनुष इन्होंने तोड़ा। अरे वो तो हमारी जानकी का इतना प्रताप था कि उसी के प्रताप के नाते इन्होंने धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, वो कैसे? सखियों ने कहा, अभी भी आपको कोई शंका संदेह है क्या कि आपके भैया ने ही धनुष को तोड़ा? आपके भैया ने धनुष को नहीं तोड़ा। अरे जिसे पुष्प लेते हुए भी पसीने आ रहे हैं, वो क्या धनुष को तोड़ पाएगा? आपस में इस प्रकार से विनोद चल रहा है। प्रातः काल हो गया।
जैसे हमारे और आपके यहाँ सुबह के समय में खिचड़ी खवाई होती है, उसी प्रकार से यहाँ भी भगवान राम खिचड़ी खाने के लिए बैठे, भोजन हुआ। अब भोजन करते समय सखियों ने फिर से गाली देना प्रारंभ किया और फिर गाली देने लगी। सखियां कहती है, लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना, कहा भैया मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब सहन नहीं हो रहा है, इन सखियों से कहो कि गाली देना बंद करें। भगवान राम ने कहा कि अब हम यहाँ कुछ बोल नहीं सकते, ये ससुराल है, कुछ बोल नहीं सकते। लक्ष्मण जी ने कहा फिर तो मेरे बाण चल जाएंगे। राम जी ने कहा देखो जब देखो तब बाण वाण किए रहते, बाण को बगल में रख दो और यहाँ शांत होके बैठ जाओ। लक्ष्मण जी फिर भी नहीं माने, कहा कुछ तो करिए। राम जी ने अपनी माया चलाई उन सखियों पर, और जो सखी महाराज दशरथ को गाली दे रही थी वो सखी उल्टा महाराज जनक को गाली देना प्रारंभ कर दी। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया, अब लो सुनो, महाराज जनक आए हैं और कहते हैं तुम लोग क्या गा रही हो, अरे महाराज दशरथ को गाली सुनाओ, तुम लोग मुझे ही गाली सुना रही हो। सखियों को ध्यान आया, फिर से गाली देना प्रारंभ की। कहती हैं अरे छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जीवत लालन सीध सदन में, जीवत लालन सीध सदन में, जीवत लालन सीध सदन में, जीवत लालन सीध सदन में। आन भरो मई थारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। एक सखी ने कहा अरे इनके विषय में कुछ पता है, कहा मुझे तो बस इतना ही पता है कि ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये चार भाई हैं, और तो मुझे कुछ नहीं पता। एक सखी ने कहा मुझे पता है। कहा क्या पता है बताओ। कहा ये चार भाई नहीं, इनकी एक बहन भी है। अच्छा वो बहन नहीं आई क्या? नहीं, बहन कहाँ से आएगी, वो रहे तब तो आए, कहाँ गई? कहती है मैं बताती हूँ, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजदुलारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजदुलारी। कौन? शांता बहिन तुम्हारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, इनकी बहन भी है। हाँ हाँ बहन भी है। अच्छा उस बहन का क्या हुआ, वो कहाँ गई? कहती देखो अब क्या बताएं इनका इतिहास। राजकुमारी थी, ये राजकुमार हैं, और विवाह तो नियम है कि राजकुमारी हैं तो विवाह भी राजकुमार से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ? कहती हैं देना तो चाहिए राजकुमार को, चाहिए राजकुमार को, तो चाहिए राजकुमार को। राजकुमार से विवाह होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कौन ले गया? कहती है ले भागे जटाधारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, 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 छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। इस प्रकार से खिचड़ी खवाई हुई, लेकिन गुरुदेव जी बैठे बैठे एक बात सोच रहे थे। महाराज जनक को बुलाया और महाराज जनक से कहा
ये बताइए आपके घर में अभी कितनी कन्याएं शेष बची हैं? महाराज जनक ने कहा अभी 3 बची हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि अगर उधर 3 हैं तो इधर भी 3 बचे हुए हैं। बारात भी आई है, मंडप भी सजा है, बाराती भी आए हैं, सब कुछ है, ब्राह्मण भी हैं, क्यों ना इसी मंडप में इन 3 का भी विवाह कर दिया जाए। ये निर्णय लिया गया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी, कहते हैं कि सकल कुंवर ब्याहेते ही करने। ये नहीं कहा कि सिर्फ राम जी लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ, सकल कुंवर अर्थात अयोध्या जी से जितने कुमार आए हुए थे उन सब का विवाह मिथिला में संपन्न हो गया। उसी मंडप में सबका विवाह संपन्न हुआ, चारों दूल्हे एक मंडप में बैठ करके आनंद ले रहे हैं, जनवासी का आनंद लिया जा रहा है। विवाह की 15 दिन पहले जैसे बारात आ गई उसी प्रकार से विवाह के 15 दिन पश्चात बारात रुकी रही। सखियां चारों दूल्हों को देख करके लगी गाने कि आए अवध नगरिया से चार दूल्हा, आए अवध नगरिया से चार दूल्हा बनके मिथिला नगरिया के प्यार दूल्हा बनके के मिथिला नगरिया के प्यार।
आज राज कहीं देखे ना सुनाई, सांवरे मुरतिया के गोर पर छाई, मती पावे नहीं पार जावे हार दुल्हा, मती पावे जाए हार माले हार दुल्हा, तबन के यद्यपि सुघर चारो दुल्हा लखात बा, चारो दुल्हा लखात बा, बड़ के पहुनावा पे मनावा खींचात बा, बड़ के यद्यपि सुघर चारो दुल्हा लखात बा, बड़ के पहुनावे पे मनावा खींचात बा, इहे प्रेमिन के हिया के पुकार दुल्हा, इहे प्रेमिन के हिया के पुकार दुल्हा, तबन के किशोरी मैया की। इस प्रकार से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। महाराज जनक से जब भी महाराज दशरथ आज्ञा लेने के लिए जाते थे,
महाराज जनक उन्हें मना कर देते थे। और इस प्रकार करते करते 15 दिन बीत गए। अंत में गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, महाराज जनक से निवेदन करते हैं, हे महाराज जनक अब विदा करिए। और विदाई का समय आ गया, चारों दुल्हन आंगन में आए हैं चारों दुल्हनों को लेने के लिए। चारों दुल्हनों के साथ चारों दुल्हों की विदाई हो गई। महाराज जनक ने हाथी घोड़े हीरे जवाहरात जो कुछ भी बन पड़ा, जो कुछ भी था, महाराज जनक ने सब कुछ दिया। अंत में महाराज जनक जब जाने लगे विदा करके, महाराज दशरथ उनके समीप आए हैं। महाराज जनक कहते हैं, महाराज अगर जाने अनजाने में कोई हमसे भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करें। आप ज्येष्ठ हैं, आप बड़े हैं, हम छोटे हैं और हमारी बिटिया अनजानी है, सुकोमल है, अभी अनजान है। अगर जाने अनजाने में उससे कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। महाराज दशरथ ने बहुत बड़ी बात कही। महाराज दशरथ महाराज जनक के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। आजकल हम और आप कहते हैं कि वर पक्ष कहते हैं हम बेटे वाले हैं, हम बड़े हैं, बेटी वाला छोटा। लेकिन महाराज दशरथ से सीखिए। महाराज दशरथ महाराज जनक से कहते हैं, महाराज देने वाला सदैव बड़ा होता है और लेने वाला सदैव छोटा होता है। महाराज आपने इतनी सारी वस्तुएं दी और तो और चार चार कन्याओं को दान कर दिया, इतना बड़ा दान किया आपने और अभी आप कहते हैं कि आप छोटे हैं। महाराज हम आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो आप हमें क्षमा करें। इस प्रकार से विदा करके महाराज जनक वापस आए हैं। और इधर बारात श्रीधाम अयोध्या में पहुंची, तीनों माताओं ने स्वागत किया और आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। आइए दो बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करते हैं कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा किशोरी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।